राजस्थान प्रदेश कांग्रेस विधि मानवाधिकार प्रकोष्ठ की ओर से आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील शर्मा ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार से मिलकर पश्चिम मध्य रेलवे कोटा डिवीजन और अजमेर डिवीजन की ओर से सिग्नल को लेकर निविदा जारी की गई है, जो कि चुनाव को प्रभावित करने वाली है और आचार संहिता का खुला उल्लंघन भी करती है। और साथ ही बीजेपी की ओर से सेना के पोस्टर लगाकर ब्यावर क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस पर तुरंत ही कार्रवाई की मांग की गई है। चुनाव आयोग को हमने तीन शिकायतें की हैं। पहली तो यह है कि जो मोदी जी के जो पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें सेना के कामों का प्रचार है, अंदर घुस के मारा देश जीतेगा, ऐसे ऐसे स्लोगन्स हैं जो आचार संहिता का खुला उल्लंघन करते हैं। भारत की सेना ने चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे कामों का राजनीतिकरण नहीं किया जाए। चुनाव आयोग ने उस आधार पर निर्देश जारी किए थे और उसी के आधार पर जयपुर के एमपी बोरा जी को भी नोटिस जारी हुआ था और उसी तर्ज पे इन्होंने पोस्टर पूरे राजस्थान में लगा दिए, जिसकी शिकायत हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय से की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जो व्यक्तिगत वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि राजस्थान ने इस तरह कोई परमिशन नहीं दी है। जानकारी में आया कि दिल्ली सीईओ ने परमिशन दी है, जिसके चलते उस आड़ में राजस्थान में बीजेपी ने पोस्ट लगा दिए, जो गलत है आचार संहिता।